फ्रेंड्स, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रूम क्लीन कर लिया है और हमारी गुड मॉर्निंग 3 AM हो रही है, नहीं 3 PM हो रही है। और फैज़ान यहाँ पे एज यूजल बिल्ली को लेके लेटा हुआ है। तो मेरा क्या होता है कि जो है ना, अपना रूम क्लीन करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपना थोड़ा स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है सर मैडम जी। हाँ, आपको पता फ्रेंड्स ही मैंने आटा, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, ये देखिए जरा, मेरे हाथों का ना कुछ इस तरह से आलम हो जाता है जब मैं ना, मतलब वो ये चूल्हा जलाती हूँ। और क्योंकि कल हमारा किचन इतना मैसी सा हुआ हुआ है, हलीम बनाया था, हलीम बनाने के बाद ना इतनी कोई कालक छोड़ी है। फैज़ान आप क्या कर रहे हो? अल्लाह, फैज़ान गंदे छोड़ो उसे नीचे। ये गोगो कहाँ से हो गई है? ये इस तरह से बात करते गोगो गोगो करके बच्चों के साथ बिल्ली। अच्छा, मैंने इसको शावर दिला दिया था, बिल्ली को ना एक दिन बैठ के शावर दिला दिया था इसको ना। ये फैजान मुंह पे पंजा मार देगी। फैजान उतारो 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 मेरा बेटा, जल्दी से उतारो। हाँ, छोड़ दो छोड़। मैं आज क्या बनाऊँ? आज पराठे बना लिया और आपको पता है फ्रेंड जी, मैंने ये तो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है ना। क्लीन करने के बाद अपनी ड्रेसिंग टेबल पर आ जाती हूँ और जो है अपने बाल वगैरह बनाती हूँ। तो यस, मेरे बाल बन चुके हैं। अब जो है ना, मैं क्या करती हूँ अपने थोड़ा स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये मौसम ना थोड़ा ड्राई ड्राई से चल रहा है, तो मैं यूज़ करती हूँ ये एलोवेरा स्किन सॉल्यूशन वाला, विटामिन ई के साथ है ये और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ये एलोवेरा वाला है तो हमारे घर में एलोवेरा पौधा रखा हुआ है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ हाथों पर वगैरह वगैरह। मम्मा मेरे लिए लेकर आई थी, तो इसका 1 ड्रॉप ले लेते हैं। इसी के आगे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो मैं इस तरह अपने हाथों पर लगा लेती हूँ और मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। या अल्लाह, ये क्या था? खैर, फिर मैं अपने ऐसे हैंड पे लगा लेती हूँ और ये मसाज हो जाता है मेरा। अब मैं अपने बाल बनाऊँगी और बाल बनाने के बाद देखूँगी। और मैंने अपने बाल पहले से सुलझा के रखे हुए थे, ऐसी बात नहीं है, मेरे बाल में बहुत अड़े होते हैं। खैर जो है, अच्छे से अपने बालों को जो है ना कर लेंगे, बना लेंगे, कर लेंगे क्या। और कुछ ही दिनों में आपको मेरा न्यू हेयर कट देखने को भी मिलेगा, तो उसका भी हम वीडियो शूट करेंगे। और कुछ मैं अपने बाल ऐसे बना लेती हूँ, ये मेरी पूंछ है। लाइक ऐसे, और देखिए मेरे बाल बन गए हैं। अब मैं अपना हेयर बैंड लगा लूँगी। और मेरी मम्मा जो है ना, मेरे लिए हमेशा हम एक लिपस्टिक यूज़ करते हैं जिसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली अच्छा है। तो इससे क्या होते हैं, होठ एकदम पिंकी पिंकी हो जाते हैं और पीछे से सारे चल। मैं एकदम रेडी हूँ इधर एंड साइड। अभी हमारा जो है ना, अब हम क्या करेंगे, फैज़ान जो है ना नहाने जा रहा है, शावर लेता है फैज़ान उठता ही, और मम्मा इधर पराठे बना रही हैं। तो अब हम जो है बस अपना लंच करेंगे, क्योंकि हमारा तो ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं रहा, इधर तो 4 बजे हमारा लंच आ रहा है। सब से बात मिलते हैं, बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस तरह से मुझे शूट करना था, मैं वैसे शूट नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ गई थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से पैकिंग करी यहाँ पर, और पैकिंग करके मुझे रवाना होना था यहाँ पे। अच्छा, मैं बता दूँ कि सब मुझसे पूछते हैं, यार आपका ऑलरेडी काम इतना चल रहा है यहाँ पे, आपके पास टाइम है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिसको 50,000 कमाने की आदत है ना, तो वो चाहता है मैं 1,00,000 कमाऊँ। जिसको 1,00,000 कमाने की आदत है, वो चाहता है मैं 5,00,000 कमाऊँ। तो यहाँ पे एक तो महंगाई ने कमर सबकी तोड़ दी है, दूसरी बात ये कि आप जानते हैं मैं हूँ एक विडो, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, शायद ही किसी के ऊपर हो। यहाँ पे आपको मालूम है, हम ख़वातीन जब खाना बनाती हैं, घर की सफाइयाँ करती हैं, इतना उनके ऊपर बर्डन होता है, कपड़े धोने का, हर चीज़ करने का। उसके बावजूद एक से जब वो सैटरडे संडे आता है ना, वो कहती हैं कि मैं भी अब घर की रानी हूँ। जब हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तब वो बोलती हैं यार बस मैं अपने घर की भी रानी हूँ, आज सैटरडे संडे जो है ना वो हमने बाहर गुजारना है डिनर के लिए। और आजकल माशाल्लाह से सबके घर में मैट्स, रलर
रखी हुई होती हैं, मतलब मासियाँ रखी हुई होती हैं, उसके बावजूद बेचारी मेरी जो बहन है वो लाजमी आते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पर, वो भी थक जाती हैं। लेकिन मेरे ऊपर तो यहाँ पर रब कायनात का शुक्र कहूँ, करम कहूँ कि मैं दो फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक माँ का एक बाप का यहाँ पे, और फिर लाजमत दीगर चीज़ें भी आती हैं। यहाँ पर मेरे भाई की रात में कॉल आई, भाई ने जल्दी से बस मुझे बोला कि ज़ारा हॉस्पिटल जाना है, फिर बस मैंने पैकिंग शेकिंग करी, स्टार्ट करी, यहाँ से 4 से 5 दिन हो गए हमें हॉस्पिटल में, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी भाभी की डिलीवरी में, वो भी आप लोगों से आगे शेयर करूँगी, दुआ में कीजिएगा याद। यहाँ पर हम जा रहे थे नीचे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे भाई का हम, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बातें बताई थी, फिर भाई ने मुझे घर पे भी छोड़ना था। मतलब ज़िंदगी है मेरी इस तरह से चल रही है आपके सामने, और मैं बोलूँगी मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपनी बहनों को। जब मैं पहले देखती थी ना कि यार स्कूल पढ़ाती हैं, इसका मतलब कितनी सारी बच्ची हैं जो स्कूल पढ़ाती हैं, कितनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो स्कूल पढ़ाती हैं, तब भी मतलब उनको अप्रिशिएट करती थी। तो आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं क्या बोलूँ अपने आप को यहाँ पे। लेकिन आप लोगों की दुआएं, शुक्र है मालिक का। और शादिया भाभी और मैं बातें यहाँ पे कर रहे थे, वॉइस भी ओवर की थी मैंने, वॉइस मैंने बनाई थी अपनी, लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत था, और मक्के की खुशबू ने ना हम लोगों को यहाँ तक खींच के लेकर आ गई थी। हम खाए थे इमाम बारगाह के सामने, ये हॉस्पिटल है, आई डोंट नो किस किस को पता है, लेकिन जिसको पता वो समझ गया होगा कि ये हॉस्पिटल कहाँ पर है। तो बस यहाँ पे आप अपनी बहन की एफ़र्ट देख लें, दोनों बच्चियाँ मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, एजल अजवा, अजवा मेरे बड़े भाई की बेटी है, एजल यहाँ पे बैठी हुई है, फिर भाई आ गए थे, भाई से बात बात की यहाँ पे, दुआ में रखिएगा याद मुझे मेरी फैमिली को। और बस यहाँ पे हॉस्पिटल पे जब मैं आई तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो यादगार करने वाली थी, जो मैं याद कर रही थी। बाकी यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली के जो थे ना बच्चे पैदा हुए थे, सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो दोनों बच्चे मेरे हुए हैं जैना वहाँ पे जीना हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। मतलब मैं यहाँ पे आई थी, नाम लिखवाया था, लेकिन बदकस्मती है कुछ भी गए यहाँ पे हुई नहीं डिलीवरी मेरी यहाँ पे ना, तो जीना हॉस्पिटल में मेरी हुई, और अल्लाह का शुक्र है आपके सामने दोनों मेरे बच्चे हैं, जीना हॉस्पिटल के बच्चे हैं, शुक्र है मालिक का। और बस चीज़ें याद कर रही थी, कुछ आंसू भी आ रहे थे आंखों में, कुछ चीज़ें याद भी कर रही थी। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है वक्त यहाँ पे। और बस यहाँ पे भाई ऊपर लेके जा रहा था अयान को, क्योंकि भाभी बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे अयान से मिलना है। यहाँ पे फिर फारिग वगैरह हुए, घर पे आए, चाट वाट लेकर, बच्चे बहुत खुश थे। ज़िंदगी आसान नहीं है गुजारनी अकेले शौहर के बग़ैर यहाँ पे। बाकी क्या बोलूँ मैम, साथ आप लोगों का चाहिए जो कि आप लोग दे रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर देते हो, इतना लाइक कर देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें भी आगे करनी है मैंने आपसे, काम इतना अच्छा चल रहा है मेरा, शुक्र है मालिक का, और यही बोलना है हर सूरत में, यही बोलना है। अल्लाह ने बोला हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, तो आप तब भी बोलो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इसको कहते हैं सफ़ेद पोशी, जो कि अल्लाह को पसंद है सफ़ेद पोशी। बाकी महंगाई का कुछ आलम नहीं है, महंगाई बहुत हो चुकी है, बहुत 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 हो चुकी है महंगाई यहाँ पे। और बच्चियाँ दोनों मेरे पास बैठी हुई हैं ना, इज़ल बैठी हुई हो ना मेरे पास, आप क्या बोलोगे, कुछ बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त जो है ना मामू और मम्मा जो है ना हमारे लिए चाट लेकर आए थे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और जो है बस अब हम चाट खाएंगे और आप लोग आगे का व्लॉग इंजॉय करें, क्योंकि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे ना बस रात का खाना हमने बना लिया था, स्टू मैंने बना लिया था, तो बस जल्दी जल्दी खा कर फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह से भाभी हॉस्पिटल में थी। आई होप आपका व्लॉग अच्छा लगा।